आपने अपने घर में या आसपास के मंदिरों में लोगों को पूजा करते हुए तो जरूर देखा होगा, या आप खुद भी पूजा करते ही होंगे। ऐसे में आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि लोग मंदिरों में पूजा करते समय घंटी बजाते हैं, लेकिन आपने कभी यह गौर किया है कि आखिर पूजा करते समय या मंदिर में प्रवेश करते समय घंटियां क्यों बजाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण होता है? दोस्तों, इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दरअसल इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि पूजा के दौरान घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन होता है। यह कंपन वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है, जिसका फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर भी विंड चाइम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी आवाज़ से नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के रहते हुए आपके समृद्धि के द्वार नहीं खुल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने से भगवान के समक्ष आपकी हाजिरी लगती है। कहा जाता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक लाभदायक और प्रभावशाली होता है। घंटी की ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क को अध्यात्म भाव की ओर खींचने में मदद करता है। घंटी के लय मन से जुड़कर शांति का आभास कराता है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर में घंटी बजाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दैवी उपस्थिति का अनुभव होता है। जानकारों के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो आवाज़ गूंजी थी वही आवाज़ घंटी बजाने पर भी आती है। कहा जाता है कि घंटी उसी नाद का प्रतीक है। यही नाद ओमकार के उच्चारण से भी होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रलय के समय भी इसी तरह की आवाज़ गूंजेगी। यही एक कारण है कि पूजा करते समय या मंदिर में प्रवेश करते समय घंटियाँ बजाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।